तो सियासत भी समय के पहिए की तरह है, कब बदल जाए। अगर सियासत का समय से कोई तालमेल नहीं होगा तो जाहिर तौर पर यकीन जानिए बदलते देर नहीं लगेगी। इस देश ने 70 साल के अहंकार को डुबाया, इस देश ने 5 साल के अहंकार को भी अपने तरीके से भरमाने से रोका है। अब आज कहता है वोटर की शुरुआत इस छत्तीसगढ़ से। वीसी शुक्ल की प्रतिमा भी यहां पर लगी हुई है, जिन्होंने सबसे ज्यादा मौत की गर्दन को दाबे रखा और जिंदगी के लिए मुकाबला किया। ऐसी धरती से हम यहां पर आज शुरुआत कर रहे हैं, कहता है वोटर की। बीजेपी कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ हैं, सवाल जवाब के सिलसिले भी करेंगे। कहता है वोटर में, अगर वोटर शामिल होना चाहता है तो वो आए, अपनी आवाज उठाना चाहता हो तो वो आए, वरना उसे कहीं कोई हक नहीं फिर किसी सुविधा की मांग करने की, फिर किसी डिमांड्स की, फिर किसी सुरक्षा की। चलिए सिलसिले को शुरू करेंगे। सबसे पहले चुनाव में आप जा रहे हैं और जाहिर तौर पर चक्रवर्ती साहब है, नाम में चक्रवर्ती लगा हुआ है, और कार्यकर्ताओं का बढ़ा हुआ मनोबल, इन सब के बीच क्या देख रहे हैं 2024 के आम चुनाव को लेकर? देखिए 2014 में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, हमने UPA 1 और UPA 2 के घमंड और गुरूर को तोड़ा, या जो भी सत्ता में थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहती थी कि आपने नोटबंदी की, तमाम चीजें की और आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन 2018-19 में भी फिर जनादेश मिला। यह हैट्रिक का जनादेश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन के साथ कनेक्टिंग है, मोदी जी की गारंटी है। और देश कोरोना काल के बावजूद भी जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, जिस प्रकार से देश और दुनिया की जो आर्थिक व्यवस्था है तबाही की ओर है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ललित जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार ये लोकसभा का चुनाव फतह करेगी। कोई भी अपना सवाल लेकर आ सकता है, मंसाली साहब तीसरी बार कॉन्फिडेंट है? देखिए दूर के ढोल सुहावने हैं, वादे खोखले हैं, थोथा चना बाजे घड़ा और भ्रष्ट आदमी बोले घड़ा। ये जो है ये इन्होंने किया क्या मुझे ये बता दीजिए। ललित जी आप ही शुरू कर रहे हैं, आप ही बताइए आपके अच्छे दिन आए क्या, वो राजीव चक्रवर्ती जी के अच्छे दिन आए क्या, क्या वादे थे, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। बड़े बड़े वादे किए थे, काला धन लाएंगे बोला था, एक रुपए का काला धन वापस नहीं आया, अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, बड़े बड़े वादे थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और मुझे लगता है चला चली की बेला है ये जुमलेबाजों की, हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। आपके हिसाब से मुद्दा क्या, क्या प्रोजेक्शन और क्या नजर आता है 2024? जी देखिए बढ़ती है असमानता जो मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में हुई है, गरीब और अमीरों के बीच में जो गहराई बढ़ी है, और पूरे देश की प्रॉपर्टी को चाहे एयर हो चाहे रेलवे हो सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। आप देख रहे होंगे बेसिक नीड, दूध दही जूते चप्पल, इवन पढ़ाई पुस्तक के चीज में भी, मेडिकल में भी इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया, महंगाई को उनके चरम स्तर तक लेके जाने का काम किया। महंगाई का मुद्दा अगर इतना बड़ा है, स्पार्क क्यों नहीं ले पा रहा पब्लिक के बीच? देखिए पब्लिक समझ रही है, महंगाई के साथ साथ आप युवाओं को देख लीजिए, देश में मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात, यहाँ 1 लाख भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो नजर आती है, आपने कहा गरीबी से मुकाबला करना है, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं आप गरीबी के नाम पर। देखिए मोदी जी की जो योजना है विकसित भारत की, जो 2047 तक का बात किए हैं वो बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे भाई भंसाली जी बोल रहे थे कि इन्होंने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए। अरे भाई साहब धारा 370 का जो वादा हमने किया हमेशा का, जिसके कारण हमारी पार्टी बनी, हमने धारा 370 हटा के दिखाए, ट्रिपल तलाक हटाने का वादा किया, हम ट्रिपल तलाक हटा के दिखाए, और बोलते थे कि ये मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर भी वहीं बना के दिखाए। और मंदिर बनाने के बाद रही बात भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने की ओर अग्रसर है, आपने 70 साल सिर्फ भ्रष्टाचार किया, उसके अलावा क्या किया जरा बता दीजिए, मैं ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस भाइयों से। और उसके अलावा आप हमने जो जो वादे किए हैं उसको अक्षर से पूरा किया, चाहे वो गरीबी की बात करें, आपने गरीबी का भोजन खा लिया, लेकिन ये मोदी जी ने हर जगह डायरेक्ट ऑनलाइन पैसा देने की बात करके उनके खाते में पैसा पहुंचाए, किसान के खाते में पैसा पहुंचाए, विकसित भारत की ओर ये सबसे बड़ा अग्रसर कदम है। मंसाली साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट का राज जानेंगे, पहले आप प्लीज। देखिए कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है सर्वांगीण विकास का संकल्प लेके आती है, जैसे भाजपा वालों ने अभी गिनाया कि ये काम किए हैं, तो भाई बाकी जो पक्ष है जो नहीं किए उसकी भी तो बात करेंगे। जैसे 6 लाख कर्मचारियों को 15 साल के भाजपा शासन में छत्तीसगढ़ में रोजगार मिला, कैसा रोजगार, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, दैनिक श्रमिक, अंशकालीन जॉब दर, मानदेय, आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, ठेका, आपने रोजगार दिया बहुत अच्छा, पर रोजगार वही जो पेट भर खाना दे, एक सम्मानपूर्वक जीवन दे। आज
वही जो 6 लाख कर्मचारी हैं उनसे वर्तमान भाजपा की सरकार ने 100 दिन के अंदर एक कमिटी की घोषणा की बात की मोदी साहब की गारंटी के नाम से। मोदी जी की जो राष्ट्रीय स्तर की छवि है उसको आज चुनौती दे दिया भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने। 100 दिन में कमिटी बनाने की बात हुई, आज 100 दिन में से 80 या 85 दिन निकल गए हैं। कमिटी आपकी सरकार में कर्मचारियों की नाराजगी भारी पड़ी, आपका जो परिणाम आया उसमें कर्मचारियों की नाराजगी भारी पड़ी। जिस दल की सरकार होती है उसके कर्मचारी होते हैं, किसी की सरकार में नहीं। जैसे भूपेश बघेल की सरकार ने 4000 सम्मान दिया, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। वर्तमान विष्णु देसाई मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है कि उसको उन्होंने राजनीति के चलते उस व्यवस्था को बंद नहीं की, उस योजना को कंटिन्यू रखा। पर बात यह है निमितीकरण का, वेतन वृद्धि का, मतलब जिनका जो संभव है 6 लाख लोगों का एक प्रकार का नहीं हो सकता व्यवस्था, अलग अलग व्यवस्था होगी, पर गारंटी क्यों नहीं? मुझे बीजेपी प्रवक्ता बताएं कि हमारी कमेटी का गठन कब होगा? 100 दिन आपने कहा था, लिख के दिया। मोदी जी की इज्जत का सवाल है ये, मोदी जी की छवि का सवाल, मोदी जी की छवि का सवाल है। प्लीज आप भी कुछ बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि 370 लागू किया, 3 तलाक का कानून बनाया, राम मंदिर बनाया। मुझे बताइए, आप सर्वे कर लीजिए, 50,000 लोग यहाँ इकट्ठे कीजिए कि 370, 3 तलाक और राम मंदिर से किसको लाभ हुआ, किसके घर की गरीबी दूर हुई, किसकी घर की गरीबी दूर हुई? भाई ये कश्मीर की बात है, आप पूरे देश में झंडा लेके जो घूम रहे हैं ये बात मत करो। इनके ऊपर एक लाइन ललित जी सूट होती है कि एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। ये कह रहे हैं कि क्या होता 370 से, तो क्या होता है? इन्होंने कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान को भारत से अलग बना लिया। आप कहते हैं क्या होता है, ये क्या होता है? बहुत बड़ी बात है, राष्ट्र की अस्मिता, धारा 370 कश्मीर, जिसके लिए परमिट लेना पड़ता था, बम धमाके होते थे रोज, आज वो भारत का अंग बन गया, कोई भी आदमी जा सकता है। सीमा पार आतंकवाद और जो ये जो लाल आतंकवाद है उसे भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। और राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर ये भोजन की बात करते हैं, ये अभी आर्थिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, क्या क्या बेच डाला। अरे भैया ये मनमोहन सिंह जी ने पढ़ लो थोड़ा, मनमोहन सिंह जी ने नियम बनाया था कि आर्थिक नई नीति से नहीं, जिस नरसिम्हा राव ने उनको जिम्मेदारी दी थी आपने उन्हें भारत रत्न दिया है। हाँ इसीलिए दिया, वो सही था। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है कि हम पब्लिक सेक्टर के सफेद हाथी को पाल नहीं सकते, अब ये जनता को झूठ बोलते हैं कि ये बेच दिए वो बेच दिए। अरे हम आर्थिक रूप से हर कंपनी को मजबूत बना रहे हैं, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत के भारतीय अर्थव्यवस्था को तोड़ दो। मोदी जी कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आज दिल्ली के अंदर किसान वापस क्यों आए? मुझे इस चीज का चैलेंज, मैं इस चीज का जवाब, आप कह रहे हैं ना कि 5 साल में हमने ये करा है, सिंघू बॉर्डर पे किसान क्यों वापस आए, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान क्यों वापस आए, क्यों आए? दोनों से परेशान है जी, एक सेकंड हो, ये बीजेपी कांग्रेस जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, इन दोनों से परेशान है हम लोग, इन दोनों से परेशान है हम लोग। कभी कभी वोटर की तरफ से इस तरह की राय आ जाती है कि बहुत शॉर्ट में प्लीज, सभा का चुनाव आ रहा है पास में, तो ये गली मोहल्ले घूमते हुए दिखाई देंगे, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई देंगे, और जैसे लोकसभा चुनाव हो जाए तो पब्लिक इनके पीछे दौड़ती नजर आएगी, भैया हमारा काम करा दो। दूसरी बात, सब ये लोग, ये आपका नगर निगम का है ना, ठीक है, तो वो सामने कोने में क्या है आप देखिए जाके, अगर ये नगर निगम का पार्क है तो वो गंदगी कहाँ से इतनी मचाई हुई है? नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक युवा से ये वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आज 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार होते हैं। उसके अलावा हर 6 महीने में आते हैं, हमें बस 100 दिन दे दीजिए, हमें बस 50 दिन दे दीजिए। ना ये भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, ना ये रोजगार पे बात करते, ना ये देश की अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे। 70 साल इलेक्ट्रॉन जिस अरे आप जवाब, रोजगार की अगर बात करें, देखिए मैं बताना चाहूंगा रोजगार के मामले में, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो एक मकान में 7 लोगों को रोजगार मिलता है, और 3 करोड़ मकान बनाने की हमने जब बात कर डाली, 7 या 21 करोड़ हमने बना दिया, रोजगार दे दिया। किस मुंह से बात करते हैं और इस मुंह से बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 70 साल सिर्फ भ्रष्टाचार से अपनी जेब भरती थे, और जब भ्रष्टाचार की बारी आती थी, इल्जाम लगाया जाता था तो बम ब्लास्ट हो जाते थे, और क्या होता था ये आप समझ सकते हैं। अरे धारा 370 जब हटाई नहीं गई थी और कश्मीर में पंडितों को भगाया जा रहा था, तो कश्मीर में क्या हो रहा था? माता बहनों के साथ क्यों चूड़ी पहन लिए थे? बोला जाता नहीं, यहाँ छोड़ दो, आपकी सरकार थी, क्यों क्यों चूड़ी पहन के बैठे थे आपके लोग?
चलिए चलिए चलिए, सिलेंडर से दूर, सिलेंडर से दूर ब्लास्ट हो जाएगा, सिलेंडर से दूर ब्लास्ट हो जाएगा जी प्लीज। ये अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे, काफी करते हैं तो इनके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, ये योजना कोई नई नहीं है, मोदी जी ने नहीं लाई है ये योजना, तो इंदिरा आवास योजना के नाम थी। तो कुछ लोग इतने बेईमान होते हैं जो दूसरों के मकान पे अपना नाम लिखते हैं, योजनाएं हमारी लागू हमने की। एक 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 सवाल मेरा, एक सवाल मेरा, एक सवाल मेरा कांग्रेस से, मनोबल कार्यकर्ताओं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा कैसे? भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस रेट न्याय जोड़ो यात्रा के सक्सेस रेट से काफी ज्यादा था, उसका भी फायदा नहीं मिला, मनोबल कैसे बढ़ेगा? हर कोई भंसाली नहीं है, इतिहास बदलेगा। देखिएगा जो लोगों के मन में जो भ्रम है कि कार्यकर्ता जो है अभी यहाँ पर रिचार्ज नहीं है, हम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कैसे करें? अरे भाई वेट कर, ये अभी साधुओं पे और राम भगवान पे जाएंगे मेरे पास, तो आप एक काम करो, मैं एक घंटा खड़े होकर बोलने के लिए तैयार हूँ इनके सवालों का जवाब देने के लिए, ठीक है? अभी जो दिल्ली की सीमाओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो सबको, आपने जो प्रश्न किया भाई, जो प्रश्न इसी प्रकार चिल्लाते हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चार्ज और रिचार्ज की बात कर रहा हूं और ये उस पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक पॉजिटिव बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि रोजगार की बात, जो अगर स्वरोजगार दिया जा रहा है स्किल इंडिया के माध्यम से या दूसरे अन्य माध्यमों से, तो कांग्रेस के लोगों को बड़ा पेट में दर्द होता है। आप देखिएगा लघु उद्योग, मध्यम लघु उद्योग, चक्रवर्ती साहब, रोजगार एक बड़ी समस्या अभी भी बना हुआ है। एक व्यक्ति जो यहाँ पर बाइक चलाता है या जिस तरह की मोटर बाइक आजकल चल रही है, अगर वो 200 रुपए प्रतिदिन भी कमा रहा है, क्या उससे घर चलेगा? नहीं, काम तो किया जा रहा है। नहीं देखिए, एक रहता काम कर, देयर इज विल देयर इज वे, काम करने की। आप दर्शन शास्त्र रुपए आ गए, राजनीति ये दर्शन शास्त्र, काम करने की कोशिश की जा रही है। तरुण कौशल योजना, तरुण युगल योजना, युवा तरुण कौशल योजना, देखिए जो स्किल्ड का काम चल रहा है, स्किल्ड, हाँ बिल्कुल रोजगार। भाजपा का योजनाओं का एक्सपर्टाइज इसी से समझ लीजिए कि जैसे ही तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव आए, परिणाम आए, एक और योजना शुरू हो गई कांग्रेस में जो बीजेपी में शामिल होने वाली योजना, बाकायदा मध्य प्रदेश में तो नरोत्तम मिश्रा को प्रभारी बना दिया गया। प्लीज कोई रिएक्शन? अब इनके पास खुद के लोग तो बचे नहीं है, तो लोगों को खरीदने का काम किया है, लीडर नहीं है। अरे ले लो, ए भाई ले लो, ले लो, ए भाई एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक बंसाली साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ले रहे हैं ये, छगन भुजबल, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे। एक बात और आती है, आप करप्शन मुक्त बनाना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं, और बीजेपी को आप कांग्रेस युक्त कर रहे हैं। नहीं देखिए, कांग्रेस युक्त नहीं है ललित जी, ये है कि जो सारे बड़े लीडर सीएम तक बने हुए हैं, जो आना चाहते हैं, ये भाई साहब आ जाए, आप आ जाए, कोई आ जाए, सबका स्वागत है भाई, हम कोई बैरियर लेके नहीं बैठे। राहुल जी का स्वागत कब? बिल्कुल कोई भी आ जाए, राहुल जी तो भारत को भारत देश ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं राज्यों का समूह है। जिस दिन राहुल जी कहेंगे कि नहीं मैं भारत मेरी माता है, मैं भारत को मानता हूँ, अगर वो आने को चाहे तो हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत देर से खामोश खड़े थे, अब आवाज आई है, बताइए। देखिए एक सीधा सा प्रश्न, एकदम सीधा प्रश्न और सटीक, पहले एक उनका सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा दिल्ली में किसान वापस क्यों आए, तो मैं एक सीधा सा जवाब देता हूं, दिल्ली में किसान जो आए सिर्फ खालिस्तानियों की प्लैंड आंदोलन चल रहा है। दूसरा विषय उनका सवाल था, बाजू में खड़े भैया का सवाल था कि वहां पे गंदगी क्यों है, इस एक मिनट भैया आप लोग सुन लो मेरे, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा। देखिए ये नगर निगम में आज इनके महापौर बैठे हुए, इसलिए उस कोने में गंदगी हो रही है। जिस दिन नगर निगम में हमारा भाजपा का महापौर आएगा, पूरे निगम में सफाई जोर शोरों से होगी। तीसरा चीज, एक छोटा सा सवाल, सभी कांग्रेस के आदरणीय लोग खड़े हैं, इनसे एक सवाल है मेरा कि अगर आपने इतना अच्छा काम किया तो छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल के कामों को देख के आपको नकारा क्यों? छत्तीसगढ़ की जनता ने नकारा क्यों? बहुत शॉर्ट में प्लीज। देखिए सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के सरकार में आई है। महतारी वंदना योजना इन्होंने घर घर जाके फॉर्म भरवाया, लेकिन आप देखिएगा महतारी वंदना योजना में कितनी महिलाओं को लाभ मिलता है। महतारी वंदना योजना बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात इन्होंने याद दिलाई। महतारी वंदन योजना आप लेकर आए, गारंटी में शामिल है,
बजट में प्रावधान और महिलाओं की संख्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे से नीचे स्टार बना के लिख दिया जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन? हम प्रतिबद्ध है, जितनी चुनावी घोषणाएं थी मोदी जी की गारंटी उसके प्रति प्रतिबद्ध है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। देरी क्यों नहीं, देर हो सकती उसके रिफॉर्म पूरे तो फास्टेस्ट है। मैंने आप तो फास्टेस्ट नहीं नहीं सब बिल्कुल 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 सब तैयारियां हो चुकी है, फॉर्म लिए जा रहे हैं, महतारी वंदन भी होगा, आवास आवास का बात भी पूरा होगा, शिक्षा की बात भी पूरी होगी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का हो चुका है। तो इसीलिए मतदाताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है, मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, बिल्कुल होगा। चलिए चलिए, एक कमेंट मैं लूंगा आपके पास, प्लीज। आप कोई कमेंट बोल रहे थे? कमेंट तो मैं ये बोल रहा था भाई, मैंने इनसे सवाल का जवाब पूछा था तो इनका जवाब नहीं मिला मुझे। 5 सालों में इन्होंने क्या करा? कुछ नहीं। ये कहते हैं हम रोजगार देंगे, ये रोजगार नहीं दे रहे, ये कटोरा दे रहे हैं मोदी जी ने। तो एक बार फिर जहां से इस चर्चा की शुरुआत हुई वहीं इस चर्चा को मैं लेकर जाता हूं। मैंने समय के पहिए का जिक्र किया था, पीछे उस समय के पहिए के पीछे एक जेट भी दिखाई देता है। वैसे वो भारतीय सेना के, भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है, पर वो एक चीज का और भी प्रतीक है कि जब भी नेताओं के पैर जमीन से हटकर आसमान पर जाते हैं, जनता उन्हें धड़ाम कर देती है। कहता है वोटर में इतना ही, दर्शकों का भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।